नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पर लगातार हो रहे शोषण को लेकर दिल्ली सफाई आयोग के सदस्य रविशंकर ने कहा कि और अत्याचार नहीं सहा जाएगा। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रविशंकर ने सफाई कर्मचारियों पर चिंता जताते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी पर पिछले कई वर्षों से दिल्ली नगर निगम लगातार शोषण करती आ रही है, जो कि सफाई कर्मचारी को चुनाव के चलते सड़कों पर होर्डिंग और पोस्टर हटाने को लगा देती है, लेकिन सफाई कर्मचारी को उसका कोई मेहनताना भी नहीं देती है और कई सफाई कर्मचारी सड़कों पर बड़े हादसों का शिकार भी हो जाते हैं, कई बार तो जान भी गंवानी पड़ जाती है। रविशंकर ने सफाई कर्मचारियों पर हो रहे शोषण पर आवाज उठाते हुए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा है और कहा है कि चुनाव के चलते सफाई कर्मचारी को अलग से उनकी मेहनत का वेतन देना चाहिए। देखिए, हर चुनाव में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और उनका भाई देखो, सफाई कर्मचारी का मतलब है सफाई करना हर जो है पोलिंग बूथ पे। लेकिन देखने में क्या आता है और सुनने में क्या आता है, क्योंकि मैं भी इसी दिल्ली का हूं और आज मेरी उम्र भी होगी और मैंने भी 5-7 इलेक्शन देख लिए, सुनने में आता था कि सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगती है, एक दिन पहले सफाई कर्मचारी पोलिंग बूथ में होता है और एक दिन बाद ही आता है। लेकिन सुनने में मुझे आया था कि ना उनको पैसे मिलते हैं ना उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती, तो उसके लिए मैंने तीनों कमिश्नरों को और कमिश्नरों को अपने पत्र के माध्यम से पहले ही आगाह कर दिया था कि जिस भी कर्मचारी को सफाई चुनाव वाले दिन ड्यूटी पर लगाया जाएगा तो उसके लिए जो उसकी विशेष अलग से रिफ्रेशमेंट है और जो उसको पैसे दे दें ओवर टाइम के रूप में, तो उसे कैसे भी वो उसको आपने देने हैं, मुहैया कराने, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सफाई कर्मचारी इस विषय में मुझे शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो किसी वार्ड का हो, किसी जोन का हो या किसी भी पोलिंग बूथ का हो, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ने में सक्षम हूँ। कर्मचारी पैसे मिले हैं, सूचना आपके पास आई? ऐसी सूचना मेरे पास आई थी जिसमें से एक सफाई कर्मचारी के पैर में भी चोट लगी है, उसको आयोग की तरफ से जो सहायता होनी थी, दिलवानी चाहिए थी, वो मिली है। एक सेंट्रल जोन से भी एक ऐसी सूचना आई थी कि इलेक्शन वाले दिन किसी कर्मचारी के पैर में चोट लग गई सामान उठाते वक्त, जबकि उनका सामान उठाने का कार्य नहीं था। और ईडीएमसी से भी मुझे कंप्लेंट आई थी व्हाट्सएप के माध्यम से कि अभी हमें पैसे नहीं मिले। जब उनको मैंने लेटर की कॉपियां भेजी कि मैंने लेटर इशू कर रखा है, तो उनके मुझे मैसेज आया कि अब हमें पैसे भी मिल गए हैं और अब हमारे को कोई वो नहीं है, और उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। अभी कुछ जोनों के अंदर ऐसा देखने में पाया है कि अभी कुछ कर्मचारियों के पैसे नहीं मिले और उनको मैं अब तलब करने वाला हूं कि आपने कितने कर्मचारी लगाए थे और कितने को पे कर दिए। रवि जी, निगम में बीजेपी ही सरकार है, बावजूद इसके सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है लगातार। पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं सफाई कर्मचारी अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, कभी वो उनको हड़ताल करनी पड़ती है, कभी उनका बैठना पड़ता है। यदि सफाई कर्मचारी अगर दिल्ली में या पूरे देश में ना हो तो पूरा देश गंदगी का ढेर बन जाएगा, बावजूद इसके सरकार उन पर ध्यान क्यों नहीं देती, क्या कारण है? देखिए, जो सफाई कर्मचारी है मैं उसको सफाई कर्मचारी मानता ही नहीं, वो देश का एक सैनिक है, एक सिपाही है। बिना प्रोटेक्शन के जब तक देश की जनता और देश की राजधानी दिल्ली की जनता और दिल्ली के हर जिले की, हर विधानसभा की, वार्ड की, ब्लॉक की जनता जब तक सो के उठती है, तब तक पूरे देश का, दिल्ली का, दिल्ली के हर जिले का, विधानसभा का, वार्ड का कूड़ा उनके उठने से पहले दिल्ली से बाहर होता है, उनके जिले से बाहर होता है। ऐसा महान कार्य करने वालों को मैं सल्यूट करता हूं, दिल्ली के और भारत के सफाई कर्मचारियों को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो ये कार्य बिना प्रोटेक्शन के करते हैं और लगातार उनके साथ जो शोषण होता है, आपने जैसे बताया कि बीजेपी 15 साल से निगम में शासित है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा कार्य उनके लिए नहीं किया जो उनके लिए एक सुविधाजनक बात हो या सुख की बात हो, लेकिन उनका शोषण करने में बीजेपी और दूसरी पार्टियां पीछे नहीं हटी है। अगर दिल्ली की कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, जिसने इनके दर्द को समझा और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इनकी आवाज को उठाया और 4 अप्रैल 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली के सभी कर्मचारियों को 2017 तक के पास पक्का किए जाने का मैं प्रस्ताव पारित करता हूं, और वो प्रस्ताव दिल्ली के तीनों कमिश्नरों को, मेयरों को, स्टैंडिंग चेयरमैनों को भेजा गया। अभी तक जो कार्रवाई अब निगम प्रशासन ने, निगम के जो पार्षदों और मेयर चेयरमैनों ने करनी चाहिए थी वो नहीं की, उनको अब रिटर्न में
अरविंद केजरीवाल जी को भेजना चाहिए था कि आप हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन कभी सफाई कर्मचारियों का जो है ये स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, कभी सर्वेक्षण के नाम से, और अभी एक नया नाम और दिया है ODF, उसके नाम से इनको इनका शोषण करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी इतना बहादुर इतना भोला है और वो सिर्फ अशिक्षित है, उस अशिक्षा की वजह से इनका शोषण ये सब करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं रविशंकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का मेंबर हूं, मैं ये नहीं होने दूंगा और इनकी लड़ाई को आपके माध्यम से और अपने माध्यम से और आयोग के माध्यम से और अपनी सरकार के माध्यम से तत्पर हमेशा लड़ता रहूंगा और इनके आवाज को उठाता रहूंगा। जैसा कि अभी रेलवे ट्रैक के ऊपर सफाई कर्मचारी से काम कराया जा रहा था, उसकी मैंने आवाज उठाई, क्योंकि MCD के सफाई कर्मचारी और MCD के निगम अधिकार क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पे सफाई कराना वर्जित है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और उस लड़ाई को मैं जीतने में सफल हुआ और सबने मुझे बधाई भी दी कि अब रेलवे ट्रैक पे काम नहीं किया जाएगा। इसमें मैंने कईयों को पत्र लिखे, LG को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, राज्यपाल गौतम जी को भी लिखा, और सभी ने इस बात को कहा कि हाँ ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और मैं इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हूँ, और उसमें मुझे एलिगेशन भी लगे, लेकिन मैं एलिगेशन से डरता हूँ, अपने काम करने में ध्यान लगाता हूँ और मैं काम करता हूँ। एलिगेशन मुझे समझ ही नहीं आया कि किसने एलिगेशन लगाया और क्यों लगाया, जबकि मैं तो एक फाइट कर रहा हूँ और उस फाइट करने में सक्षम हूँ, और उस फाइट को मैंने किया और मेरी और समय कर्मचारियों की विजय हुई। पेशा दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।